हाय दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आरसीसी में टी बीम WSM से, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि टी बीम क्या होता है। जब स्लैब और बीम की कॉस्टिंग एक साथ की जाती है तो वहाँ पर टी बीम बनता है, ठीक है। जब स्लैब और बीम दोनों में पहले फॉर्मर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसमें कंक्रीट को हम दोनों में एक साथ डालते हैं, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो सेक्शन बनता है, वो कहलाता है टी बीम। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊँगा कि टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग टी बीम का फिगर बना लेंगे। ये है टी बीम। इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को बोलते हैं फ्लैंज और इस वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं वेव। इसमें जो फ्लैंज है ये है डेप्थ ऑफ स्लैब और जो वेव है वो है डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो जब हम बीम और स्लैब की कॉस्टिंग एक साथ करते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन अगर देखें साइड व्यू से, तो हमें क्या दिखेगा, ये स्लैब दिखेगा और ये वेव दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार स्लैब की लंबाई कितना भी हो सकता है, वहाँ पर नंबर ऑफ बीम बहुत सारे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, केवल एक बीम को वहाँ से लिया और उस बीम में जितना उसका इफेक्टिव एरिया होता है, जहाँ तक कि वो स्लैब उस टी बीम के पोर्शन में आता है, केवल उतना ही लेंथ मैंने फ्लैंज का ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ब्रिथ ऑफ फ्लैंज क्या है। ये है फ्लैंज, इसके ब्रिथ को मान लेंगे बी एफ, ब्रिथ ऑफ फ्लैंज। इसके डेप्थ को मान लेंगे डेप्थ ऑफ फ्लैंज डी एफ। तो यहां हम लोग लिखते चलेंगे इसे बी एफ विथ ऑफ फ्लैंज, डी एफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज। और यहाँ पर जो वेव है इसके वृत्त को मान लेंगे बी डब्ल्यू। बी से होता है वृत्त और डब्ल्यू से होता है वेव, तो बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विथ ऑफ वेव, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करेंगे, तो यहाँ टेंसाइल एरिया में स्टील प्रोवाइड किया गया है और इस स्टील के एरिया को हम मान लेंगे AST और इस स्टील के सेंटर से, इस स्टील के सेंटर से फ्लैंज के टॉप लेवल से जो डेप्थ होता है उसको कहते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम। स्मॉल डी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम। और यही डेप्थ अगर नीचे तक हो, यानी उसमें इफेक्टिव कवर प्लस कर दिया जाए, तो ये लेंथ हो जाएगा टोटल डेप्थ ऑफ टी बीम कैपिटल डी। तो डी क्या हो जाएगा, टोटल
डेप्थ ऑफ टीबी। जो टेंसाइल एरिया में एएसटी प्रोवाइड किया गया है ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला है क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और इसका जो फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। इस फॉर्मूले को हम लोग इससे पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिंगली बीम डबली बीम हर जगह हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस मिला हुआ है। यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है मॉडुलर रेशियो, सिग्मा सी बी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम, सिग्मा एस टी क्या है टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील, टेंसाइल एरिया में जो स्टील प्रोवाइड किया गया, यानी कह सकते हैं स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल स्टील। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। अब जब हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मिल जाएगा और इसे हम कंपेयर करेंगे इस डी एफ से, डी एफ से कम है या ज़्यादा, हमें ये देखना है कि ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है टी बीम में। अगर डी एफ से कम होगा तो फ्लैंज में है और डी एफ से ज़्यादा होगा तो वेव में है। तो अगर अब यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, फ्लैंज में है या वेव में। तो इसके दो अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, अगर फ्लैंज में है तो अलग फॉर्मूला होगा, वेव में है तो अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि इफ एक्स इज लेस देन डी एफ, अगर एक्स का वैल्यू इस एक्स का वैल्यू डी एफ से कम है तो हम कह सकते हैं एक्स इज इन फ्लैंज, यानी हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर है, फ्लैंज में है। तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए कहाँ पर है, भी हमने मान लिया कि एक्स कहाँ पर है, फ्लैंज में है, इस फ्लैंज में कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर है आपका न्यूट्रल एक्सिस एन ए और ये डेप्थ क्या है एक्स, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर है, इस फ्लैंज में कहीं भी हो सकता है, उसको हमने एक्स मान लिया और यहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस। अब इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है वो कहलाएगा कंप्रेसिव एरिया और न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया है वो कहलाएगा टेंसाइल एरिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है फ्लैंज एरिया, सॉरी ये है आपका कंप्रेसिव एरिया और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का है टेंसाइल एरिया। तो टेंसाइल एरिया में अगर देखा जाए तो वेव का भी एरिया है और कुछ एरिया फ्लैंज का भी है। तो टेंसाइल एरिया में यहाँ पे क्या है कि वेव का भी एरिया है और कुछ न कुछ एरिया फ्लैंज का भी है। ठीक है, तो जब हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाते हैं तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा इस चीज़ को कि कंप्रेसिव एरिया का मूवमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मूवमेंट, इस फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया।
मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया कैसे निकालेंगे, कंप्रेसिव एरिया इनटू उस कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मूवमेंट लिया हुआ है ये मूवमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, एरिया इनटू स्ट्रेस, ये है आपका कंप्रेसिव एरिया बी एफ इंटू एक्स। तो मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया में एरिया हो जाएगा आपका बी एफ इंटू एक्स इंटू इस कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ। तो अब देखिए ये है आपका कंप्रेसिव एरिया, ये रेक्टेंगल शेप में है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर है, तो ये डेप्थ क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ है एक्स, तो सेंटर से डेप्थ हो जाएगा एक्स बाई टू, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स बाई टू इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। जब मूवमेंट टेंसाइल एरिया में लेंगे तो टेंसाइल एरिया में हम क्या लेते हैं, केवल ए एस टी लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इस एरिया को भी ले लेंगे, यानी जो हमारा पूरा वेव है फ्लैंज है सबको ले लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम टेंसाइल एरिया में जो है केवल ए एस टी लेते हैं, तो टेंसाइल एरिया हो जाएगा ए एस टी। और मैंने आपसे बताया हुआ है कि जब भी ए एस टी लेते हैं तो उसके साथ मॉडुलर रेशियो एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, यानी यहाँ पर हमारा टेंसाइल एरिया क्या लेके चलेंगे, एम ए एस टी इंटू सेंटर से डिस्टेंस। इस टेंसाइल बार के सेंटर से डिस्टेंस हम लेंगे कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक, तो इस टेंसाइल एरिया का सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से लेके इस न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके टोटल डेप्थ ऊपर तक कितना है, डी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो ये डेप्थ कैसे निकालेंगे, इस डी में से एक्स माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स। इस प्रकार हमारा एक फॉर्मूला बन गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, क्या बन गया, बी एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है, बस डिफरेंट क्या है कि वहां पर केवल बी को हमने यहां से डिनोट किया है, क्योंकि ब्रिथ ऑफ बीम को हमने बी माना हुआ है, यहां ब्रिथ ऑफ बी बीम को टी बीम को बी एफ माना हुआ है। तो पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स, और टी बीम के एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब x df से कम होगा, df से कम होगा यानी x कहाँ पर स्थित है, फ्लैंज में स्थित है। अगर मान लीजिए इस x का वैल्यू df से कम नहीं आया, df से ज़्यादा हो गया, यानी हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है x If x is greater than df, यानी हम कह सकते हैं कि x कहां पर है, x is in wave में है, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा अब यहां पर नहीं है, अब वेव में हो गया, तो इसको हम यहां से हटा देंगे, यानी यहां पर कहीं जा करके है न्यूट्रल एक्सिस आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, और ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा कितना, एक्स। तो ये हो गया यहाँ पर आपका है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाए थे, मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया, मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। अब यहां पर देखा जाए
तो इस न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया है वो क्या है, कंप्रेसिव एरिया, और कंप्रेसिव एरिया में फ्लेंज भी है और वेव भी है। कुछ पोर्शन जो है वेव का वो कहाँ चला गया, कंप्रेसिव एरिया में, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ इस फ्लेंज का मूवमेंट निकालेंगे प्लस वेव का मूवमेंट निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये कंप्रेसिव एरिया। तो हम फ्लेंज का भी मूवमेंट निकालेंगे और इस वेव पोर्शन का भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों कंप्रेसिव एरिया में है। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, पहले फ्लेंज का निकाल लीजिए, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया कितना है, बी एफ इंटू डी एफ, ये डेप्थ कितना है, डी एफ, तो ये हो जाएगा बी एफ इंटू डी एफ इंटू इस फ्लेंज के एरिया से न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ। तो इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है इस फ्लेंज का, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस है आपका x और ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x है, इस x में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस कितना है, df by 2, क्योंकि ये पूरा डेप्थ df है, तो df by 2 के सेंटर पे होगा, तो ये df by 2 है आपका। तो यहां पर डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, x माइनस डी एफ बाई टू, ये हो गया फ्लेंज का मूवमेंट ऑफ एरिया, प्लस वेव का मूवमेंट निकालेंगे। तो अब जब वेव का निकालेंगे तो यहां भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एरिया इंटू सेंटर से डिस्टेंस, तो वेव एरिया कितना है, ये है ब्रिथ बी डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस x है, x में से ये माइनस कर देंगे df, यानी ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x माइनस df। तो ये वेव है, हमें इतने का मूवमेंट निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, bw इंटू एक्स माइनस df, bw इंटू एक्स माइनस df इंटू सेंटर से डिस्टेंस। इस वेव का सेंटर कहाँ पे है, रेक्टेंगल शेप में है, तो बीच में होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x माइनस डी एफ है, तो x माइनस डी एफ बाई टू इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। टेंसाइल एरिया का मूवमेंट कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया है वो टेंसाइल एरिया है, लेकिन टेंसाइल एरिया में केवल AST को कंसीडर किया जाता है, अगल बगल जो कंक्रीट है इनको नहीं करते हैं। तो यम AST इंटू सेंटर से डिस्टेंस, इसके सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है d, इस d में से x माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा यानी d माइनस x। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बनता है बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई टू प्लस बी डब्ल्यू एक्स माइनस डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ, तो एक्स माइनस डी एफ का होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला, जब x कहाँ पर हो, जब ये x आपका वेव में स्थित हो। जब फ्लेंज में स्थित होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वेव में स्थित होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें एक बात और आती है जो कि IS कोड कहता है। IS कोड ये कहता है, ये जो वेव का आपने मूवमेंट लिया हुआ है, इस मूवमेंट का वैल्यू बहुत ही लेस, यानी बहुत ही कम आता है, तो इसे हम क्या करते, इसे हम वैल्यू को हम लेके नहीं चलेंगे, यानी कि एरिया ऑफ वेव इज वेरी लेस, एरिया ऑफ वेव इज वेरी लेस, सो इट शुड नॉट बी कंसीडर, इट शुड नॉट बी कंसीडर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा,
बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। लेकिन आप फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वहां पर यह कह दिया जाता है कि वेव को कंसीडर करके चलना है। अगर वेव को कंसीडर करके चलना है तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमेशा बोल देता है कि वेव को कंसीडर नहीं करना है, हमेशा बोल देगा कंसीडर नहीं करना है। अब मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं कहता है तो हमें कंसीडर नहीं करना है, जब तक कहेगा नहीं वो कि वेव का पोर्शन हमें लेके चलना है या उसे हमें कंसीडर करना हो है, जब तक नहीं कहेगा तब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा फॉर्मूला न्यूट्रल एक्सिस का। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा कि मूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी यही दो कंडीशन आएगा, जब फ्लैंज में स्थित होगा तो वहाँ पर मूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर वेव में स्थित है तो मूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग यूज करेंगे। वहाँ पर दो बातें हम ध्यान में रखेंगे, एक तो ये भी देखेंगे कि टी बीम अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और ये भी रखना है ध्यान में कि एक्स जो है वो फ्लैंज में है या वेव में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।